स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्लोबल शेयर में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश राशन कार्ड के बारे में। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले चलेंगे यहाँ पर हम जो है FCS UP की वेबसाइट पर आ जाएंगे। FCS UP आपको टाइप करना है अपने गूगल सर्च बॉक्स में। यहाँ पर जब आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है fcs.up.gov.in। ये उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट है जो कि फूड से रिलेटेड है, यानी राशन कार्ड से रिलेटेड है, जो फूड की देखरेख के लिए बनाई गई है। अब यहाँ पर आप जब आप आ जाएंगे तो ये वेबसाइट है उत्तर प्रदेश खाद्य एवं रसद विभाग की। यहाँ पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत जो है वितरण किया जाता है। तो अब अगर आपको राशन कार्ड के अंदर अपना नाम चेक करना है, यानी आपका राशन कार्ड जो है पहले ही बन चुका है और आपको राशन कार्ड नंबर भी मिल चुका है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण लिंक है इसके बराबर में राशन कार्ड की पात्रता सूची दी गई है। राशन कार्ड की जो पात्रता सूची है इसको चेक करने के लिए आपको इस पर क्लिक कर देना है। अब इसमें आपको अपना नाम कैसे ढूंढना है, अब जैसे यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश के सभी ज़िले दिए गए हैं जो कि 75 ज़िले हैं। अब जैसे मानकर चलिए आपका मेरठ ज़िला है या फिर लखनऊ है, तो लखनऊ में या मेरठ में, जैसे हम मेरठ को ले लेते हैं, तो मेरठ पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए बहसुमा, दोराला, हस्तिनापुर और बहुत सारे जो हैं ये टाउन की लिस्ट आ गई है। अब अगर आपका जो है राशन कार्ड नगरीय क्षेत्र का है तो उसके बाद यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र है। अगर आपका ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है तो ग्रामीण क्षेत्र में ढूंढना है, और अगर शहरी क्षेत्र यानी नगरीय क्षेत्र में है तो नगरीय क्षेत्र से जुड़ा है तो यहाँ पर देखना है। लेकिन सबसे ज़रूरी जो बात है वो मैं ये बता दूं कि यहाँ पर आप तभी देख सकते हैं इस लिस्ट के अंदर अपना नाम, तभी आपका नाम आएगा जब आपका राशन कार्ड थोड़ा पुराना होगा, यानी 1-2 महीने पुराना है और आपका बन चुका है और ये सिस्टम पर यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर चढ़ चुका है। अब जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ, जैसे मेरठ CB या मेरठ कैंटोनमेंट बोर्ड में अगर हम यहाँ पर देख लेते हैं CCS प्रवीण कुमार एरिया फर्स्ट, तो यहाँ पर ये देखिए सांख्यिकी क्षेत्रवार, तो यहाँ पर जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ये मेरठ का जो है एरिया निकल कर आ रहा है हमारे सामने। अब यहाँ पर जिस भी एजेंसी से आपका जो है राशन कार्ड जुड़ा हुआ है, जैसे दुकानदार जो मतलब विक्रेता होते हैं, उचित दर की जो दुकान होती है उनमें जो ठेकेदार होते हैं जिन्हें बोलते हैं, तो दुकानदार का नाम यहाँ पर देखना है। पात्रता गृहस्थी में आप किस में आते हैं, अंत्योदय कार्ड है आपका या राशन कार्ड है, अगर अंत्योदय है तो इसमें आएगा और राशन कार्ड है तो इसमें वाली लिस्ट में आएगा, मतलब राशन कार्ड कितने हैं और लाभार्थी कितने हैं। तो अब जैसे हम मानकर चलिए हम यहाँ पर अरविंद कुमार डोरली एरिया फर्स्ट की डिटेल यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, जैसे 1517 राशन कार्ड हैं इस लिस्ट में। अब यहाँ पर ये देखिए आप देख सकते हैं डिजिटाइज राशन कार्ड संख्या, अब यहाँ पर अरविंद कुमार डोरली एरिया फर्स्ट जो दुकानदार है वहाँ पर ये दुकान संख्या उनकी ये है, कार्ड का प्रकार यहाँ पर गृहस्थी है, 13 जून 2021 समय 9:21 PM तक की स्थिति यहाँ पर अपडेट है। अब जैसे आपको किसी भी राशन कार्ड को जैसे देखना है तो अगर आप यहाँ पर इस राशन कार्ड को देखेंगे तो राशन कार्ड से जुड़ी हुई सभी जानकारी आ जाएंगी, और यहाँ पर ये भी दिखाई दे देता है जैसे धारक का नाम क्या है, पिता पति का नाम क्या है, माता का नाम क्या है, कुल यूनिट कितनी है। जैसे हम ये वाला उठा लेते हैं, ये वाला हमने उठा लिया डिजिटाइज्ड, यहाँ पर ये गृहस्थी कार्ड और दुकानदार, दुकानधारक का नाम, सभी सदस्यों की कुल संख्या, इसके साथ ही यहाँ पर जो लिंग है और धारक से संबंध और पिता का नाम आदि जो भी संख्या है वो यहाँ पर निकल कर आ जाती है। अब अगर आपको इसे प्रिंट करना है तो यहाँ से प्रिंट का बटन दबा सकते हैं और आप इसे बड़ी आसानी से प्रिंट भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इसको PDF में भी यहीं से ले सकते हैं, सेव एज PDF, तो ये आपके भविष्य में भी काम आ सकता है। तो आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको पता चल गया होगा कि आपको राशन कार्ड की पात्रता सूची के अंदर अपना नाम कैसे ढूंढना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।